एंड आपने जुल्मी जैसा इतना हिट गाना बनाया है, क्या आप हमारे साथ आपका ये फुल जो भी म्यूजिक, जितने भी म्यूजिक रही है रज्जो की, उसके बारे में आपका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जी एक तो प्रॉब्लम ये है कि विश्वास जी 7 साल के बाद मुझे लेके आए, तो क्रेडिट गोज टू हिम। बड़ा मजा आया था कि मुझे एक फोन आया कि उत्तम जी आप कहाँ हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ, मैं अब भी आ रहा हूँ। मैंने कहा आइए। जब आए तो मुझे बोलते अगर आज आप लोनावाला में होते या पुणे में होता तो मैं पुणे भी आया था आपको मिलने के लिए। तो ये इनका प्यार था। और एक बड़ा खूबसूरत इंसिडेंट हुआ कि जब ये गाना बन रहा था जुल्मी, तो जुल्मी से पहले विश्वास जी ने कम से कम एक 8-10 मुजरे, जो पुराने हिट मुजरे हैं, वो सारे मुझे दे दिए। आप इनको सुनिए, बहुत अच्छी बात है, सुन ले। तो बस कुछ ऐसे ही होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। मैं कहा जब नया चाहिए तो पुराना क्यों सुना रहे हैं मुझे। लेकिन इनका जो एक प्यार है, और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि हम लोगों ने 3-4 मुजरे बनाए, 3-4 गाने बनाए, बहुत अच्छे गाने बने थे वो। लेकिन इनकी कमिटमेंट ये है कि जब तक इनको पसंद नहीं आता ये आगे नहीं बढ़ते। दूसरी बात के गाने में बोल और ट्यून, ये दो चीज़ें जब फाइनल हो गई उसके बाद इन्होंने मुझे कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। इस है जो 20 या 25 साल के बाद वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट अपना इस गाने में 20-25 साल के बाद, 25 साल पहले वो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुआ करता था, लोग ख़त्म हो गया था, बट इस युग में उसको कोशिश किया यूज़ करने का। और
इतने बड़े कलाकार यहाँ हैं। मैं खयाम जी का डिस्ट्रीब्यूटर तो प्रमुख है इसमें, इस पर के सभी कलाकार डायरेक्टर और विश्वास पाटिल जी। मैं केवल विश्वास पाटिल जी के लिए आज यहाँ आया हूँ। तीन डेट मैंने दी थी लेकिन मैं काम में व्यस्त रहा, नहीं आ पाया। लेकिन आज उनको कहा कि मैं 27 को बम्बई में हूं तो आप शाम में 7 बजे कार्यक्रम कर सकते हो क्या? नहीं, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि करूंगा। मैंने उनको कहा कि एयरपोर्ट के नजदीक कार्यक्रम रखिए ताकि मुझे दिल्ली जाना है, तो उन्होंने वो भी काम किया। और आज मेरे लिए आपको तो सब मालूम है पटना में क्या हो गया है। मुझे लगता था कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा यहाँ, क्योंकि एक कार्यक्रम धन्वंतरी अवार्ड का था, एक देश के बहुत बड़े डॉक्टर को आज धन्वंतरी अवार्ड मिला है, वो फंक्शन में था, वहां से इधर आया हूं। लेकिन मैं दिल से चाहता था कि विश्वास पाटिल जी के फंक्शन में आ जाऊं। विश्वास पाटिल जी एक सरकारी अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर रहे हुए हैं। और जब एक नॉवेल राइटर है, एक साहित्यकार है, ऐसा एक ब्यूरोक्रेट जब अपने खुद को अपने कला में पेश करता है तो मेरे जैसे इंसान को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स हो, पॉलिटिशियन हो, इस क्षेत्र में नहीं आते हैं, लेकिन विश्वास पाटिल जी जहां से आए हैं कोल्हापुर से, उन्होंने कहा कि प्रभात की शुरुआत एक फिल्म इंडस्ट्री में जहां कोल्हापुर से हो गई थी,